देखिए, मेरे लिए ये फिल्म एक जुनून की कहानी है, एक मैडनेस की, एक पागलपन की कहानी है। एक आदमी को ऐसा जुनून अपने प्यार का कि जिसकी वजह से वो पहाड़ तोड़ देता है। आई थिंक रियल लाइफ में तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने अपनी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किताबी बातें होती हैं, कोई किताबी बात होगी कि एक आदमी अपने प्यार के लिए पहाड़ तोड़ देता है, लेकिन ये वाकई हकीकत में हुआ। और हम सोचते थे पहले लाइक जैसे श्री फरहाद, रोमियो जूलियट और या कोई सुपरमैन होगा जिसने इस तरह का काम किया होगा, लेकिन इस वक्त हमारे सामने हमारे युग में एक ऐसा इंसान हुआ। आई थिंक अगर आज से काफ़ी सालों के बाद शायद इस बात पे यकीन नहीं किया जाएगा कभी भी कि एक इंसान पूरा पहाड़ को शिफ्ट करके वहाँ पे रास्ता बना सकता अपने प्यार के लिए, लेकिन ये हुआ। और मुझे लगता है कि एक ही इंस्पायर करने वाली स्टोरी है, एक ऐसे आइकन की स्टोरी है जिससे आई थिंक हमारा यूथ आज की डेट में इंस्पायर हो रहा है। लोग जान रहे हैं दशरथ मांझी को कि वो किस तरह के इंसान थे। जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि मुझे भी 12-14 साल हो गए थे स्ट्रगल करते हुए, लेकिन एक दिमाग में यही था जैसे दशरथ मांझी का डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे किस्से हुए शूटिंग के दौरान, एक तो बहुत डिफ़िकल्ट किस्से भी हुए और बहुत फ़नी भी थे। राधिका आप्टे हैं इसमें और उनके साथ काम करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे सर ने उनको कास्ट किया इस बेस पे किया था कि एक ऐसा फेस होना चाहिए जो अर्बन भी लगे, अर्दी और रॉनेस भी होनी चाहिए, लेकिन इतना सेंसस भी हो कि उसको देख के पहाड़ तोड़ा जा सके, ऐसा फेस होना चाहिए। तो जब कास्टिंग की उसकी, जब मैं पहाड़ तोड़ रहा होता था, मेरी शूटिंग चल रही होती थी, तो तब मैं सर को बोलता था मैंने राधिका को भी बुला लो, तो सर ने कहा कि भाई उसका तो शूट नहीं है आज। मैंने कहा ऐसे ही बुला लो, उसको देख के पहाड़ तोड़ना बड़ा अच्छा लगता है, तो उस तरह का फेस है। तो उनके साथ काफ़ी इंसिडेंट होते थे, काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि बहुत पैशनेट लव स्टोरी है। आप जब देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग तरह की लव स्टोरी है इसमें। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है, ये जो फिल्म है, ये छोटे से लैपटॉप पे नहीं देखी जा सकती। जहाँ एक ऐसी स्टोरी हो, एक माउंटेन हो और उसके सामने एक इंसान खड़ा हो, कितनी डेप्थ होगी वो छोटे से लैपटॉप पे नहीं देखी जा सकती। और मेरी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने देखी फिल्म वो वापस से दोबारा आए तो आई थिंक उनको ऐसी डिटेल्ड एक्टिंग देखने के लिए मिलेगी। शायद मैंने अपने करियर में इतनी मेहनत नहीं की होगी इस किरदार को निभाने में, तो वो मज़ा जो है ना वो बड़े पर्दे पे ही आके देखें और फिल्म आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी और सारे इमोशंस को क्रैक करेगी आपके। तो मैं चाहता हूँ कि वो सिनेमा हॉल में आके फिल्म को देखें। पहले कहानी से लिख करके स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसके बाद तय करता हूँ कि कौन कलाकार उसमें सही रहेंगे। तो जब स्क्रिप्ट तैयार हुआ तो मैं नवाज से मिला, वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं अपनी जनरेशन के, तो आप सबको सब मानते हैं। और कदकाठी भी जो है दशरथ मांझी के साथ बिल्कुल मिलता था, और उनकी आंखों की इंटेंसिटी जो है वो भी इस किरदार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वो तो फौरन तय हो गया कि उनको मिलते ही ये लगा कि जो है वो सही है दशरथ मांझी का रोल। सारी फिल्म उसी जुनून के साथ बनी, चाहे वो कलाकार हों या टेक्नीशियन हों, सब ने अपनी जान लगाई है इस फिल्म के अंदर। सब रोज़ पहाड़ चढ़ते थे इस फिल्म को शूट करने के लिए, तो सारी फिल्म जो है हमारे दिल के बात करें। हाँ, मतलब एक आदमी के जीवन पर आधारित ये फिल्म ज़रूर है, पर सिर्फ एक आदमी के जीवन पर आधारित ये कहानी है, एक ऐसे आदमी की जिसने असंभव को संभव करके दिखाया। और ये कहीं ना कहीं कहानी है आज़ादी के बाद के भारत की, और ये दोनों की जुगलबंदी जो है वो फ्रीडम के कई पहलू होते हैं। हम लोगों ने 1947 में राजनीतिक आज़ादी पाई, 1992 के अंदर कहते हैं कि आर्थिक आज़ादी मिली है हमने पाई, और अब लगता है कि कहीं ना कहीं दिलो दिमाग की आज़ादी की ज़रूरत है। हमें अपने पुराने सारे ख्याल छोड़ के अपने आप को री इन्वेंट करना है। सो इट इज़ टाइम टू लिबरेट आवर माइंड्स।